अच्छा लगता है तुम्हें जब तुम्हारी वजह से मुझे यूं जलील करती है? I'm sorry, मानोर। मैं दुआ की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ। सॉरी से क्या होता है? इनफैक्ट तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना, मानूर की अकड़ गुरूर सब मिट्टी में मिला दिया। मानोर, अगर तुम दुआ की जगह होती तो शायद तुम भी ऐसे ही रिएक्ट करती। तुम शुक्र करो कि मैं दुआ की जगह नहीं हूं, वरना तुम्हारा वो हशर करती कि तुम याद रखते। और प्लीज अब जाओ यहां से, इससे पहले कि तुम्हारी मंगेतर वापस आ जाए और दोबारा मुझे बातें सुनाने लगे। बस कुछ ही दिन की बात, दुआ यहां से चली जाएगी। वो जाए या ना जाए, लेकिन तुम यहां से चले जाओ प्लीज, क्योंकि मेरा दम घुट रहा है। मानूर, तुम यहां क्या कर रहे हो? वो मैं पानी पीने के लिए आया था। चले, खाला को कह देना कि हम रात देर से आएंगे। जा मेरे शेर, क्या खबर लाए आज? बस खबर तो भाई पुरानी है, फाइल इमाद के हाथ से निकलकर अरबाज के हाथ में आ गई है। और अब देख, बहुत जल्द तमाशा लगने वाला है, लिख ले मेरी बात। कैसा तमाशा? आजकल इमाद मियां के दिमाग ठिकाने पर नहीं है, कब आते हैं कब जाते हैं कुछ नहीं पता, ऑफिस की भी फिक्र नहीं है। अबे मुझे तो लग रहा है सरबाज ने इमाद मियां को भी ठीक ठाक सोना लगा दिया है। अबे यार, ऐसी बात होती तो इमाद मुझे 1 करोड़ की ऑफर क्यों देता? फोन निकाल और आजमा ले, इमाद को फोन कर और उससे बोल तुझे उसकी ऑफर कबूल है, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये क्या कह रहा है तू? मेरे पेट में लातें मारने वाली बातें क्यों कर रहा है भाई? लात तो इमाद ने मारी है तुम सबके पेट पर, और अब एक लुटा हुआ आदमी तुझको क्या ऑफर देगा? अबे सब खत्म हो गया। तो ये क्या मनहूस खबर सुना दी यार? ये इमाद मियां अभी इतना मासूम नहीं है कि इतनी आसानी से किसी के चुंगल में आ जाए। समझ नहीं आ रहा यार क्या करूं। देख, मेरे पास एक और आइडिया है। तू अपनी सासु माँ को मजबूर करके वो इमाद से फाइल वापस ले और उसके बाद एक बिल तैयार करे। मैं किसको पता कि कब मौत आ जाए? 6 महीने में अगर तेरी सासु माँ टपक गई फिर क्या करेगा? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मैं तो अब सोच ले। देख फरहान, होशियार हो जा, इमाद को ढेर करने का वक्त आ गया है, किसी भी हालत में सच सामने ले आ और फिर देख कैसी काया पलटती है। बुआ जी, जी वकीली साहिबा। बुआ, जितने दिन बाद सारी बच्चियां आ रही हैं घर पे, सारी तैयारियां खाने की मुकम्मल हो गई? जी जी, सब कुछ तैयार हो गया। अपनी हानिया बेटी के लिए मैंने बड़ा मजे का पुलाव बना दिया, और हानिया के लिए उसकी पसंद की चिकन कढ़ाई बना दी, और रह गए फरहान मियाँ तो उनकी फरमाइश पे भी कोफ्ते बना दिए मैंने। और मानू,